नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। यूपी के मंत्री राकेश सच्छान को 72 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन निरस्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के मंत्री राकेश सच्छान को ये 72 औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए थे, जिसको लेकर सवाल उठ रहे थे। मंत्री राकेश सच्छान के औद्योगिक भूखंडों का आवंटन निरस्त करने का आदेश उद्योग विभाग के संयुक्त आयुक्त सर्वेश्वर शुक्ला ने दिया है। इस मामले में 2 सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई है। तत्कालीन 5 अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। औद्योगिक भूखंडों का बड़े पैमाने पर आवंटन करने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बाबा बुलडोजर का नाम तो आपने सुना ही होगा। पूरे देश में बाबा बुलडोजर के नाम से मशहूर योगी सरकार के एक मंत्री का कारनामा सामने आया है। मैं बात कर रहा हूं राकेश सच्छान की। लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग और मध्यम उद्योग के कैबिनेट मंत्री हैं राकेश सच्छान को 1-2 नहीं, 4-6-10 भी नहीं, 72 प्लाट आवंटित हुए हैं। 72 प्लाट, और 72 प्लाट आवंटित होने का मामला उजागर होने के बावजूद चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी सो रही है, कुंभकर्ण की नींद में है। अभी भी मंत्री जी कैबिनेट मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं। मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बता दें, इस मामले में 2 सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई है। तत्कालीन 5 अफसरों पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, कैबिनेट मंत्री राकेश सच्छान का क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, ये मामला खुलकर जब आया है, जब अभी हाल में इन्वेस्टर समिट के बाद जो उद्योग भारतीय है उसको जमीन आवंटित कराने की, वहां के लोगों के लिए जो चाहते और जो झंडे के लिए इसके बाद हुई थी, जिसका एवरेज नाइन हुआ था, उसका जमीनों की पड़ताल के लिए जो पड़ताल पर ये सामने आया कि ये जो जमीनें हैं फतेहपुर की, जो कि इंडस्ट्रियल जमीनें हैं, उनमें लगभग 72 प्लॉट जो इंडस्ट्रियल एरिया के हैं, वो राकेश सच्छान के नाम है, जो कि राकेश सच्छान की संस्था है। उस संस्था के नाम है सीमा शिक्षा संस्थान। और इसके बाद ये मामला लगातार उठता चला आ रहा है। फिलहाल बीजेपी की तरफ से कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई है, पर हालांकि जो हमारे सदस्य और औद्योगिक मंत्री है नंद गोपाल गुप्ता नंदी, उनका कहना है कि यहाँ पर कार्रवाई की गई है। उस समय के जो उपायुक्त रहे हैं कस्बों पे यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि वहां पर उसकी कमी रही है और लापरवाही के चलते ऐसी घटना हुई है। पहले कहीं यहाँ पर अगर हम बात करें नंदनी, तो यहाँ पर जो व्यवस्था बनाई गई है कि यहाँ पर बीजेपी किसी के मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, कहीं ना कहीं उनके पक्ष को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। क्योंकि अगर बात कहें कोई भी विरोध किसी के नाम होते हैं, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्री की भी भूमिका होती है। और फिलहाल यहाँ पर कार्रवाई की अगर बात कर रहे हैं तो कार्रवाई यहाँ पर अधिकारियों करने की बात कही जा रही है। इस पूरे मामले पर विपक्षी दल का क्या कुछ रुख है, क्योंकि आप सांसद संजय सिंह ने बुलडोजर की चुनौती दे दी है? जी बिल्कुल, यहाँ पर चूंकि बुलडोजर नीति सरकार की है और अवैध संपत्ति के खिलाफ लगातार सरकार में बुलडोजर ग्रस्त रहता है और कई बार बुलडोजर की कार्रवाई सत्ते में भी आती है। इस दिन भी नक्सल से कानपुर में घटना हुई है और घटना के बाद लगातार विपक्ष सरकार पर हमला भरा है। उसके बाद राकेश सच्छान का जो मामला आया है, कहीं ना कहीं इस मामले पर सरकार को बैठकों पर डालने का जो स्थिति दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर खुल के बयान नहीं आ रहा है। आज भी निजी चैनल द्वारा राकेश सच्छान का पत्र जानने प्रयास किया गया, उस दौरान भी उन्होंने कोई भी जरूरी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इसका जवाब सदन में देंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्थिति वो फिलहाल बीजेपी के विपरीत चल रही है, क्योंकि यहाँ पर जवाब नहीं, केवल अधिकारियों पर कार्रवाई करना ही इसका सोल्यूशन नहीं है। मंत्री की भूमिका भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। हालांकि उस समय जब मामला हुआ है तब कहा जा रहा है सपा सरकार के 2012 का मामला है, उस समय राकेश सच्छान समाजवादी पार्टी के सांसद थे, तो कहीं ना कहीं सांसद से उसके बाद कार्रवाई क्यों हुई और बीजेपी में है उसके बाद भी देखी क्यों नहीं की गई? बीजेपी सरकार की अगर हम बात करें तो बीजेपी सरकार का ये दूसरा कार्यकाल है, उसका 1 साल भी पूरा हो चुका है, लगभग 6 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मामला यहाँ पर कार्रवाई का है। और मंत्रियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों? गौरव, अगर देखा जाए तो सदन की कार्रवाई चल रही है और विपक्षी दल सदन की कार्रवाई के दौरान इस मामले को लेकर क्या कुछ रुख अपना सकते हैं? फिलहाल स्थिति यह है कि मामला बिल्कुल स्तर पर जाएगा। कारण ये है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी कह चुके हैं
कि बुलडोजर कहाँ है, ईडी कहाँ है, सीबीआई कहाँ है। वो ईडी जो अगर संपत्ति खिलाफ लगातार कार्रवाई करती रहती है, वो सीबीआई जो लगातार ऐसी संपत्ति खिलाफ अपने आप को दिखाती रहती है कि सीबीआई भी यहाँ पर, सीबीआई लगातार ऐसी कार्रवाई के चलते सरगर्मी बनी रहती है। हम देख रहे हाल में ही एनआईए की छापे पड़ रहा है, ईडी और एनआईए की यहाँ पर सख्त कार्रवाई चल रही, तो कहीं ना कहीं अब सपा का भी सोच रहा है कि इस मुद्दे पर सरकार घेरा जाए। मुद्दा महत्वपूर्ण है, बात प्लाट हुए अगर नहीं हुए हैं तो इस बार किसकी कार्रवाई रही, अधिकारी की जिम्मेदारी क्या है, मंत्री की जिम्मेदारी क्या है, और भाजपा प्लॉट कैसे किसी को आवंटित कर दिए गए, तो तमाम प्रश्न यहाँ पर है। फिलहाल क्योंकि मामला सपा सरकार का कहा जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी को भी इसमें सफाई देनी पड़ेगी कि प्लॉट कब आवंटित किए गए, किसकी सरकार थी, और अगर मंत्री ने प्लॉट आवंटित किया तो मंत्री ने किस वजह से, किस संस्था के हिसाब से भाजपा प्लॉट आवंटित करा लिए। गौरव, इस पूरे मामले पर तमाम लोगों पर कार्रवाई की बात की जा रही है, पर राकेश सचान पर क्या योगी सरकार कोई एक्शन लेगी? देखिए यार, एक्शन की बात तो ये है कि पहले यहाँ पर तीन बातें सामने आनी चाहिए कि जो एक प्लॉट आवंटित किए थे किसकी सरकार थी, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। राकेश सचान पहले किस पार्टी में थे, किस पद पर थे, दूसरा प्रश्न ये है, तीसरा प्रश्न ये है कि उनकी संस्था को भाजपा प्लॉट कैसे आवंटित कर दिए गए, यहाँ पर अधिकारियों की कार्रवाई बढ़ती है। तो इसके साथ यहाँ पर ये भी महत्वपूर्ण है कि आपने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भाजपा प्लॉट कैसे अपने नाम करा लिए, ये भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर सरकार की भी है, जिम्मेदारी समय की पार्टी की भी है, जिम्मेदारी इस पद की भी है, जिम्मेदारी अधिकारियों की भी है, और जिम्मेदारी मंत्री की भी है जिनके वो नाम आ रहा है भाजपा प्लॉट रखने का। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सबकी बनती है और कार्रवाई की जब में सभी लोग आ रहे हैं। गौरव, योगी सरकार हमेशा से जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती हुई नजर आती है, वहीं उनके खुद मंत्री अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जीरो टॉलरेंस नीति सरकार बात करती है, और इससे ये मामला है, इस पर अब तक सरकार का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। केवल इंद्र गोपाल नंदी जो कि औद्योगिक मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, उनका कहना यह है कि जो प्लाटों का आवंटन है वो रद्द कर दिया, नष्ट कर दिया गया है, वो सभी के अधिकारी पर कार्रवाई करेंगे। पर अभी तक ये स्पष्ट नहीं पाया कि राकेश सचान पर सरकार कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, और अगर कार्रवाई करेगी तो कार्रवाई किस स्तर तक होगी। फिलहाल विपक्ष के हाथों अच्छा मुद्दा लग गया है, और विपक्ष इस मुद्दे को लगातार सरकार गिरने का प्रयास करता नजर आएगा। जी धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। योगी सरकार बुधवार को यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश करेगी। बजट में जहां एक तरफ 2024 में होने वाले आम चुनावों की तैयारियों की झलक होगी, तो वहीं संकल्प पत्र में किए गए कई वादों को जमीन पर उतारने के लिए कवायद भी इस बजट के जरिए योगी सरकार शुरू करेगी। बजट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर होगा। इससे अगले 5 सालों में प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाया जा सके। यह बजट 7 लाख करोड़ के अधिक का होगा। बजट में किसानों और महिलाओं के लिए भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, योगी सरकार कल अपना बजट पेश करेगी, क्या कुछ खास रहने वाला है बजट में? विवांशु, आपको आवाज आ रही हमारी? विवांशु से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। बता दें, योगी सरकार कल अपना बजट पेश करेगी। बजट से हर एक वर्ग, हर एक तबके को काफी उम्मीद है। बता दें, बजट कल सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान साइन हुए एमओयू को जमीन पर उतारने के लिए बजट में उद्योगों को मिलने वाली सब्सिडी के लिए भारी भरकम रकम का आवंटन करेगी। यूपी के इतिहास का ये सबसे बड़ा बजट होगा। योगी सरकार कल सुबह 11 बजे बजट पेश करेगी। एक बार फिर से हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, यूपी सरकार कल अपना बजट पेश करेगी, क्या कुछ खास रहने वाला है बजट में? जी मयूरी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2.0 अपने कार्यकाल का कल लगभग बात करें तो दूसरा बजट पेश करेगी। सरकार बनने के बाद जब योगी सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में रिपीट की थी तो पहला बजट था, उसके ठीक बाद अब सरकार में दूसरा बजट कल पेश होगा। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से ये बजट पढ़ा जाएगा।
माना जा रहा है कि लगभग 7 लाख करोड़ का ये बजट होगा। इसमें अगर बात करें तो 2024 चुनाव और निकाय चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हर वर्गों को बजट के माध्यम से साधने की तैयारी होगी। मयूरी आपको बताएं कि आज सत्र का दूसरा दिन था। आज अगर बात करें तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव, सदन के तमाम दिग्गज लोग यानी कि जो कहीं ना कहीं स्वर्ग सिधार गए हैं साल भर के भीतर, उनको श्रद्धांजलि दें। बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी को भी श्रद्धांजलि दी गई है। उनके साथ 15 सदस्यों को श्रद्धांजलि के साथ उनके कामों को याद करते हुए सदन की दूसरे दिन की कार्रवाई चली। कल सदन का तीसरा दिन का कार्रवाई होगा जिसमें बात करें तो उत्तर प्रदेश का बजट पेश होगा। अगर बात की जाए तो बजट से उत्तर प्रदेश का हर एक वर्गों को आशा अपेक्षा है कि वो उनके लिए बेहतर साबित हो सकता है बजट। अब देखने वाली बजट ये होगी कि बजट में किन लोगों को ध्यान में रखा जा रहा है। बात करें तो प्रदेश के अंदर में युवा साथी साथ कहीं ना कहीं किसान, अगर बात करें तो तमाम सरकारी महकमे में तैनात तमाम लोगों तमाम भत्तों की आशा अपेक्षा लगाए हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के और साथ ही साथ उनके घटक दल RLD बजट को लेकर कहीं ना कहीं पहले से ही हमलावर है। अगर बात करें तो सदन के पहले ही दिन यानी कि कल सदन की कार्रवाई से पहले कल एक जोरदार हंगामों के बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण पढ़ा गया। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो कल तीसरा दिन है और माना जा रहा है कि 7 लाख करोड़ का बजट पेश होगा। अगर बात करें तो इस बार के बजट में अगर देखें तो सरकार बजट के लिए पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है, तो वहीं विपक्ष की पार्टी भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। जी निश्चित तौर पे अगर बात करें तो कल बजट पेश होगा, उसमें आम तौर पर जब बजट पेश होता है तो विपक्ष अपनी भूमिका के तहत जो बजट होता है उसमें कमियां ढूंढकर कहीं ना कहीं सवाल पूछने का काम करती है। कल बजट पेश होगा, उसके ठीक बाद सवाल जवाब के दौर शुरू होंगे। अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के हर एक वर्ग के लोग आशा अपेक्षा लगाए हैं कि बजट कहीं ना कहीं उनके लिए बेहतरी लाए। वहीं बात की जाए तो प्रदेश के युवा अपेक्षा लगाकर बैठे हैं कि इस उत्तर प्रदेश के बजट में रोजगार के अवसर और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाए। विवांशु अगर देखा जाए तो चुनाव नजदीक है और हमेशा से देखें कि विपक्षी पार्टियां सरकार को महंगाई रोजगार के मुद्दों पर घेरती हुई नजर आती हैं, तो क्या इसका असर बजट में देखने को मिलेगा? जी मयूरी, आपने देखा कि कल बजट का पहला दिन था, सदन का पहला दिन था और कल बजट पेश होगा और सदन के सत्र के पहले ही दिन समाजवादी पार्टी के जो नेता है, विधायक है और तमाम विधान परिषद के सदस्य हैं और वो कल विधानसभा के बाहर एक प्रदर्शन किए जिसमें साफ तौर पर अगर बात करें तो भ्रष्टाचार, रोजगार, लॉ एंड ऑर्डर और किसानों की समस्या, साथ ही साथ कानपुर करप्शन को लेकर नेम प्लेट लेकर यानी कि जो तख्ती होती है उसको हाथों में लेकर प्ले कार्ड के माध्यम से कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का प्रयास पहले ही दिन से शुरू कर चुके हैं। इस बार अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के पास 111 उसमें से अगर देखें तो अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के बाद समाजवादी पार्टी के पास 110 विधायक और RLD के पास 107 विधायक हैं, तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी गठबंधन को अगर जोड़ के देखा जाए तो 117 विधायकों की पूरी एक मजबूत विपक्ष है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बजट के बाद जो तमाम नेता हैं विपक्ष के वो किन मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो प्रदेश के विकास में रफ्तार लाने को और रोजगार के अवसर प्रदान करने को लेकर प्रदेश में एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया है जिसमें लगभग 10,000 निवेशक हिस्सा लिए, 20 देशों से लगभग निवेशक आए, साथ ही साथ देश विदेश के कई उद्योगपति सम्मिलित हुए, तो इसको भी लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं सवाल पूछ सकता है। कल यूपी का बजट पेश होगा और इस बजट से हर एक वर्ग हर एक तबके को उम्मीदें हैं, तो क्या लग रहा है सरकार इन उम्मीदों पर कितनी खरी उतर पाएगी? जी निश्चित तौर पर अगर देखा जाए मयूरी तो इस बार का जो बजट होगा वो निकाय चुनाव और 2024 चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कुछ चुनावी बजट हो सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार कि केंद्र सरकार की तरफ से बजट लाया गया, उसमें तमाम प्रावधान को रखा गया, उससे कहा गया राजनीतिक दलों के द्वारा कि चुनावी बजट है, ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर में भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यहाँ से आती हैं,
तो कहीं ना कहीं जो तमाम वर्ग है उसको साधने का प्रयास होगा। वहीं अगर बात की जाए तो अगर देखें तो प्रदेश के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार, साथ ही युवाओं को रोजगार के मुद्दों पर लेकर समाजवादी पार्टी गठबंधन लगातार प्रयासरत है। तो इन बातों को लेकर कहीं ना कहीं बजट के अंदर में इन सब चीजों को मद्देनजर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए तो बजट के बाद पक्ष और विपक्ष के बीच एक आम बहस होगी, जिसमें देखने वाली बात ये होगी कि सरकार कैसे अपने उपलब्धियों को सदन के पटल पर रखती है, वहीं विपक्ष किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करती है। जी जी धन्यवाद भिवंशु तमाम जानकारियों के लिए। यूपी की राजधानी लखनऊ में IIM रोड स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में शिवाजी जयंती को लेकर विवाद हो गया। विश्वविद्यालय परिसर में स्थित हॉस्टल के वार्डन डॉक्टर आजम अंसारी ने छात्रों को शिवाजी जयंती मनाने से रोक दिया। छात्रों का आरोप है कि हॉस्टल परिसर में शिवाजी की फोटो जबरन हटवाई गई, साथ ही नोटिस देने की धमकी भी दी गई है। इस मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि छात्रों ने शिवाजी जयंती मनाने को लेकर कोई अनुमति नहीं ली थी। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी प्रतिक्रिया दी है। ऐसा है, जब संविधान की शपथ लेने वाले स्वयं संविधान के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से अधिकारी भी अराजकता के रास्ते पर जाएंगे। किसी भी महापुरुष की जयंती कोई भी भारतीय मना सकता है, उस पर प्रतिबंध लगाना ये कहीं ना कहीं सरकार की मानसिकता को जाहिर करती है। और लाल फीताशाही जिस तरीके से आज लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचल रही है उसका एक नमूना है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर शिवाजी की जयंती मनाने पर इतना हंगामा क्यों? ये वाकया जो है लखनऊ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय का है, IIM रोड पे विश्वविद्यालय है। और रविवार को शिवाजी की जयंती थी, छत्रपति शिवाजी की जयंती थी, जो देश के जो है एक बड़े महानायक के रूप में इसको जाना जाता है। और जो पीढ़ी है, अगर हम बात करें तो किताबों से लेकर चाहे वो स्कूल की किताबें हो या इतिहास की किताबें हो, उनमें उनका जिक्र किया जाता है और इनके बारे में बताया जाता है। देश का गौरवशाली इतिहास में शिवाजी का एक अहम योगदान है। ऐसे में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय में जब छात्र रविवार को शिवाजी के जयंती हॉस्टल परिसर में मना रहे थे तो जो हॉस्टल के वार्डन है आजम अंसारी, उन्होंने इसमें दखल दिया और छात्रों को जयंती मनाने से रोका। छात्रों ने जब उनसे संवाद करना चाहा, उनसे इसका कारण पूछना चाहा तो उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के तरफ से किसी ने कोई अर्जी नहीं लगाई है, कोई अनुमति किसी ने नहीं मांगी है, जिसके वजह से आयोजन नहीं करने दिया जाएगा। ऐसे में छात्रों ने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि किसी कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की अनुमति नहीं मिलती है। और छात्रों का कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आयोजन कर रहे थे और उनकी फोटो लगा करके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे, जिससे उन्होंने कहा हॉस्टल के वार्डन आजम अंसारी ने कि इस प्रकार के आयोजन से जो शांति व्यवस्था है वो भंग हो सकती है, जिसके बाद से उनको वहां के उनकी जयंती नहीं मनाने दी और फोटो भी जो है जबरन वहां से हटा ली गई। जब डॉक्टर से बातचीत की गई, जो डॉक्टर नीरज थे उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने भी यही नियम लिया कि विश्वविद्यालय प्रशासन के पास से अनुमति नहीं ली गई है, विश्वविद्यालय प्रशासन के पास कोई चिट्ठी नहीं आई है कार्यक्रम को लेकर, विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत नहीं कराया गया है। इस लिहाज से विश्वविद्यालय प्रशासन जो है वो ऐसे कार्यक्रम पर रोक लगा सकता है और इस वजह से इस कार्यक्रम पर रोक लगाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने बड़े महापुरुष जो है जिन्होंने देश के लिए एक गौरवशाली इतिहास दिया है देश को और तमाम सारी चीजें इस भारत वर्ष के लिए किए हैं, ऐसे महापुरुषों की जयंती पर रोक लगाना निसंदेह एक गलत प्रक्रिया है और विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा एक गलत कदम उठाया गया है। अब इस मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है कूद गया है और लगातार मांग कर रहा है कि क्यों किसी महानायक या महापुरुष की जयंती किसी विश्वविद्यालय मनाने पर रोक लगाई जाए।
विवेक विद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, इसे ज्ञान का मंदिर कहा जाता है और इस तरह के कारनामे सामने आएंगे तो समाज में किस तरह का मैसेज जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये विवाद हुआ यहाँ पर रविवार को कि तिवारी के जयंती मनाने पर रोक लगाई गई है, तो जाहिर सी बात है जिस शांति भंग प्रक्रिया की हर्षवर्धन और सबसे बात कर रहे थे कि इस कार्यक्रम से शांति भंग होगी, अशांति का माहौल हॉस्टल व विश्वविद्यालय प्रशासन में होगा, तो कहीं ना कहीं इस विवाद के बाद ये चीज देखने को मिली है कि एक विवाद इस विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़ा हुआ है और शांति जोर है अभी भी प्रक्रिया में जो भंग रही हुई है, तो जो कारण दिया है विश्वविद्यालय प्रशासन ने वो समझ से परे है, क्योंकि महापुरुषों की ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है, इन महापुरुषों ने बड़े से बड़े महापुरुषों ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, इस समाज के लिए बहुत कुछ किया है, समाज के घोषण तो प्रेषक रहे हैं, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि महापुरुष की जयंती मनाने पर रोक क्यों लगाई जाए और जिसका कारण जो कारण दिया गया है विश्वविद्यालय के वार्डन द्वारा प्रशासन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ये एकदम से समझ से परे है कि जो कारण दिया गया, फिलहाल इसके बाद ये हंगामा जो है वो लगातार शुरू होता चला गया और एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है इस वाकये के इस मामले का पूरा विरोध कर रहा है और ये मामला काफी दूर जा रहा है। धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। बीकेटी के एसआर ग्लोबल स्कूल में 13 साल की छात्रा प्रिया राठौर की मौत के मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। पुलिस ने न्याय का आश्वासन दिया, सीन रिक्रिएट किया, लेकिन नतीजा 0/0। मामले में फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने रिक्रिएशन रिपोर्ट भी दी, फिर भी पुलिस की जांच आगे नहीं बढ़ी। अब मृतका के पिता जसराज का कहना है कि सत्ताधारी पार्टी के MLC का कॉलेज होने की वजह से पुलिस कार्रवाई से बच रही है। खबर पर हमारे संवाददाता सागर हमसे जुड़ेंगे। सागर, इस पूरे मामले में DCP नॉर्थ कासिम शाप्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, क्या कुछ सामने निकल कर आया है? देखिए मयूरी, आपको बता दूं कि ये बीती जो महीने 21 जनवरी है उसकी घटना है। एक BKT थाना क्षेत्र है, इसमें SR ग्लोबल कॉलेज भी है, स्कूल भी है। यहाँ पर तकरीबन साढ़े आठ के शाम की बात है कि यहाँ पर जो खाना खा रही के बाद टहलने निकलती है जो प्रिया राठौर है, लगभग उसकी उम्र 13 से 14 वर्ष बताई जा रही है, 8वीं क्लास में पढ़ती है, उस दौरान उसकी मौत हो जाती है और चश्मदीद के तौर पे वहाँ पे दो जो बालिकाएं हैं उन्हीं के साथ की वो लोग देखती हैं कि प्रिया राठौर गिर पड़ी है। उसके बाद वो तुरंत अपने वार्डन को फ़ोन करती, वार्डन मोनिका उस वक्त कॉलेज में मौजूद नहीं थी, वो वहाँ पर पहुँचती है कुछ ही पल में, उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है प्रिया राठौर को, जहाँ पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब यहाँ से कहानी एक नई शुरू होती है। जो परिजन है जसराम है उस वो उनका साफ साफ आरोप है कि उसकी बेटी की हत्या हुई, फिर पुलिस उसके बाद पोस्टमार्टम करवाती है, पोस्टमार्टम में साफ साफ निकल के आता है कि गले की हड्डी टूटी है, छाती में चोट लगी है, पैर में फ्रैक्चर है, कुल मिला के 3 बड़ी कड़ियाँ और 8 चोटें निकल के सामने आती है। उसके बाद एक एक्सपर्ट की टीम उसकी एक्सपर्ट की टीम पोस्टमार्टम करती है, उसमें ये चीज़ सामने निकल कर आती है, ये चीज़ पुलिस के पास पहुंचती है और उसके बाद उसके पिताजी को भी पता चलती है कि उसकी बेटी के साथ एक व्यवस्था हुई है, जघन्य अपराध हुआ है। उसके बाद लगातार उसके पिताजी जो है जसराम कन्नौज से लखनऊ आते हैं और न्याय की आस में दर दर भटकते हैं, पुलिस के पास भी जाते हैं, पुलिस उनकी सुनवाई करती शुरुआती दौर में। सुनवाई करने के बाद 3 दिन बाद 2 जनवरी की बात है, सीन को रिक्रिएट किया जाता है और 21 जनवरी को 3 दिन बाद FIR दर्ज होती है और 2 फरवरी को सीन को रिक्रिएट किया जाता है। इसमें मेडिकल लीगल की भी टीम पहुंचती है, स्थानीय थाने की पुलिस भी पहुंचती है और यहाँ के जो DCP नॉर्थ है कासिम आब्दी उनकी भी संलिप्तता देखी गई, वो भी यहाँ पे पहुँचते हैं, मौके पे मौजूद रहते हैं। उसके बाद पूरी टीम जो है वहाँ पर छत पे जाती है, तकरीबन 5 से 6 मंजिल बिल्डिंग है, इमारत है जहाँ पर वो नीचे पाई गई थी। उसके बाद उसी के वजन के बराबर बोरी को बार बार वहाँ से फेंका जाता है और कुल मिला के अंजाम ये सामने निकलता है कि जो मेडिकल लीगल टीम है वो काफ़ी एक्सपर्ट की टीम है, वो फॉरेंसिक जाँच के आधार पर ये बताती है कि अभी तक कोई अपराध नहीं हुआ। और फिलहाल देखना ये भी एक बहुत बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि लखनऊ पुलिस लगातार ये दावे कर रही है कि उसकी
हत्या नहीं हुई, मौत हुई है। तो वही फॉरेंसिक रिपोर्ट एक अलग तरफ है, वो भी मौत बता रही है। और दूसरी तीसरी बात मैं कहूँगा मयूरी कि यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा रहता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ जाहिर हुआ है कि लड़की की 8 चोटें हैं, 3 जो हैं उसके गर्दन पे हैं, 2 सीने पे हैं और बाकी जो 3 हैं उसके पैर पे फ्रैक्चर है। तो कुल मिला के इसी पूरे विषय में आज डीसीपी नॉर्थ कासिम आबदी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो सागर, अगर हम देखें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने वही बातें दोहराई जो उन्होंने पहले कही थी, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था? हाँ जी, देखिए एक सबसे बड़ी बात बता दूँ, अपनी साख भी बचानी होती है मयूरी, क्योंकि लगातार हम इस प्राइम टीवी लगातार इस खबर का फॉलोअप कर रहा है। उसके जो पिताजी हैं जसराम, उनसे भी संपर्क में है, और इससे पहले कुछ दिन पहले ही मैंने यहाँ पर एक वार्ता करी थी यहाँ पे डीसीपी नॉर्थ कासिम आबदी से। उनका भी साफ साफ जो आज का बयान है वो पहले का भी बयान था, कि उनका साफ साफ ये कहना था कि जो अभी तक पुलिस का है किसी भी निष्कर्ष तक नहीं निकली है। फिलहाल ये जो घटना है इसको पूरी तरह से ना आत्महत्या नहीं दिया जाएगा, ना ही कोई अपराध रूप दिया जाएगा, इसको पूरी तरह से ये बताया जाएगा कि उसकी गिरकर मौत हुई है। और फिलहाल गिरकर मौत हुई, पुलिस इस बात पे काबिज अभी तक फिलहाल पुलिस ने यही बताया है कि उसकी गिरकर मौत हुई है, और इसके पीछे से कोई भी अभी तक अपराध की दृष्टि नहीं दिख रही है। क्योंकि कल ही की बात है, जो प्रिया राठौर हैं उसके पिताजी जसराम लखनऊ के बीकेटी पहुंचते हैं, और उनका जो फ़ोन है वो पुलिस द्वारा ले लिया जाता है, और पुलिस द्वारा ले जाने के बाद उस फ़ोन को जब्त कर लिया जाता है और फॉरेंसिक टीम के पास पहुंचाया जाता है। फॉरेंसिक टीम उसे अपने कब्जे में लेती है, जांच करती है, उसके बाद उसको फ़ोन को कब्जे में सील पैक लेके एक FSL लैब भेज दिया जाता है, क्योंकि उसमें पुलिस को प्रिया राठौर की चैट भी बरामद हुई थी। लेकिन फिलहाल ये बता दूं कि जो चैट थी वो सामान्य तौर पे थी, जैसे सब लोग करते हैं, जो दोस्त लोग हैं आपस में करते हैं, एक सामान्य तौर पे चैट थी। और फिलहाल चैट में इस बात का किसी तरह का खुलासा नहीं हुआ, और पुलिस का ये कहना है कि अभी किसी भी बिंदु पर जांच करके या फिर किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा जी सागर, तो देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद सागर हमसे जुड़ने के लिए। चार बजे की चार बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।